हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। स्किन का लूज होना, ढीला पड़ना, झुर्रियाँ पड़ना एक उम्र का इफेक्ट होता है। यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी स्किन है वो लूज होती जाती है, उस पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल तो कम उम्र में भी काफ़ी झुर्रियों की समस्या देखी गई, स्किन है वो लूज़ पड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमें होती हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे आप 45 के हो, 50 के हो या फिर 35 के हो, आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आपके झुर्रियों की समस्या है, आपकी स्किन उम्र से पहले लूज़ पड़ रही है या फिर आपके 40 के बाद लूज़ पड़ रही है, कैसे भी कंडीशन हो, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लूज पड़ी स्किन को फिर से टाइट कर सकते हैं, झुर्रियों की समस्या से हमेशा छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही साथ स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन होता है वो कम होता जाता है। कोलेजन और जो इलास्टिन होता है वो हमारे स्किन को टाइट बनाए रखने में हेल्प करता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी झुर्रियों की समस्या होनी शुरू हो जाती है, स्किन है वो लूज़ पड़ जाती है। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज़ें करते हैं तो इससे इसका प्रोडक्शन में कमी नहीं आती है, और अगर मतलब इसका प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाता है जिससे आपकी स्किन है फिर से टाइट होने लग जाएगी और साथ ही ग्लोइंग दिखने शुरू हो जाएगी। एक उम्र के बाद तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन कम उम्र में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। उस रीज़न में एक होता है स्ट्रेस। अगर आप किसी भी कारण से स्ट्रेस लेते हो, कोई भी आपके डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है, साथ ही साथ आपकी स्किन है वो लूज़ पड़ने शुरू हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बेलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने में और आपकी एजिंग दिखाने में। यानी कि अगर आपकी PCOS की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया है या थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, स्किन पे इफेक्ट पड़ता है और कोलेजन का प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन है वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। डाइट का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने में। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो इससे भी आपके कोलेजन के प्रोडक्शन को इफेक्ट होता है और आपकी स्किन उम्र से पहले ही लूज पड़ने लग जाती है। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपनी स्किन पे और स्किन टाइप का आपको पता नहीं और आप गलत प्रोडक्ट अगर स्किन पे यूज़ कर लेते हो, केमिकल वाले प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उससे भी कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपकी स्किन उम्र से पहले ही लूज़ पड़ने लग जाती है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपकी स्किन है वो ढीली हो गई है और आप चाहते हो कि फिर से टाइट हो सके, आपका चेहरा फिर से खूबसूरत बन सके, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और न ही कोई महंगा ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट का अपने लिए वक्त निकालना है। उस वक्त आपको कुछ नहीं करना, अपनी स्किन को देना है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम स्किन को दोगे तो आप कुछ ही दिनों में नोटिस करोगे कि आपकी स्किन ग्लोइंग भी है और आपकी स्किन है पहले से काफ़ी हद तक जवान दिखने लग जाएगी। तो क्या करना है आपको इसके लिए, नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। नारियल तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है और साथ ही साथ एंटी एजिंग गुण भी पाया जाता है। यह आपकी स्किन को अंदर से नरिशमेंट देता है, क्लीन करता है, मॉइस्चर देता है और साथ ही साथ अगर दाग धब्बे या छाइयों की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। तो नारियल तेल हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको क्या करना है, 2 चम्मच नारियल तेल लेना है और विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल है वो उसमें ऐड करना है। विटामिन ई कैप्सूल भी हमारी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है। इसमें भी एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। ये जो एंटी एजिंग गुण है ये आपकी झुर्रियों को कम करता है और आपके कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फिर से टाइट होने लग जाती है। तो एक जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है वो 2 चम्मच नारियल के तेल में आपको
मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अपनी स्किन पे अच्छे से अप्लाई करना है मसाज करने। कम से कम आपको 3 से 4 मिनट अपने चेहरे पे मसाज करनी है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन कहीं और से भी लूज़ पड़ रही है, चेहरे के अलावा, चाहे आपके पेट पे, चाहे आपके हाथ की स्किन लूज़ पड़ रही हो, गले की स्किन लूज़ पड़ रही हो, तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है स्किन को टाइट करने में। तो नारियल तेल अगर आपको, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सवाल रहता है कि ऑयली स्किन वाले क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ओवरनाइट लगा के रखना नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको ओवरनाइट लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश करके फिर सो जाइए। इससे आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं होंगे और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी आपके, मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा स्किन पे। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। काफ़ी हद तक आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देगा, ड्राइनेस भी दूर करेगा, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ओपन पोर्स की समस्या रहती है और ब्लैक हेड्स या मतलब वाइट हेड्स की समस्या रहती है, उसको भी वो दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ पिगमेंटेशन और छाइयों को कम करने में भी हेल्प करता है नारियल तेल। आपको कोई भी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने से पहले एक बार पेच टेस्ट जरूर कर लेना है। पेच टेस्ट का मतलब है अपने हाथ के पीछे पे थोड़ा सा पोर्शन लगा के और कुछ देर के, कुछ कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। अगर कोई भी खिंचाव या एलर्जी या आपको कोई भी जलन वगैरह नहीं हो रही है तो आप इसको बेझिझक होके अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल है, वो किसी भी स्किन पे सूट होएगी और उसके कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक होती है, उन लोगों को अपनी स्किन का ध्यान रखना होता है। अगर आप नारियल तेल लगाने में मतलब नहीं हो कि भी मेरे को नहीं सूट होता है, नारियल तेल नहीं पसंद है, तो आप उसकी जगह बादाम का तेल भी लगा सकते हो, वो भी उतना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें भी एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। बादाम के तेल में भी आप विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल जो है वो मिक्स करके लगा सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन कोई भी चीज़ें स्किन पर तभी वर्क करेगी जब उसके कारण का आप ध्यान रखोगे, कारण किस कारण से है उसको एलिमिनेट करोगे, उसको हटाओगे। यानी कि अगर आप किस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या आपके हार्मोनल इम्बेलेंस है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल भगाना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा। जितना आप खुश रहोगे उतनी ही आपकी स्किन खुश रहेगी और आप हेल्दी रहोगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हो तो एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से राय लेके आप कर सकते हो, या फिर आप कोई ब्रांड मतलब अच्छा ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए। स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन पर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाइए। और एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग, खूबसूरत और टाइट रखने में मदद करता है, वो है डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, हेल्दी डाइट लेते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हो, तो उससे भी आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है और उम्र से पहले लूज नहीं पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।